अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या सचमुच जन्म से दृष्टिहीन लोग सपने देखते हैं? सपना, जिसे एक तरफ तो जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का पर्याय माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नींद में एक ऐसे हिस्से की तरह आता है जो हकीकत सा मालूम होता है। आखिर सपने आते क्यों हैं? ये सवाल एक्सपर्ट्स को सालों से परेशान कर रहा है। सपनों का कुछ तो मतलब होता होगा, ये सब सवाल तो हैं ही, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये है कि जो लोग जन्म से देख नहीं पाते, क्या वो सचमुच सपने देखते हैं? पहले बात करते हैं कि हम सपनों के बारे में क्या कुछ जानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिन भर हम जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, रात में हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है। इसी काम में सपने हमारी मदद करते हैं। हालांकि सपनों के पीछे की ठोस वजह साइंटिस्ट अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं, इस वजह को लेकर, इसके तमाम तथ्यों को लेकर। सपनों को समझने के साथ एक और समस्या ये है कि जागने के बाद लोग ज्यादातर सपने भूल जाते हैं। ऐसे में सपनों को समझना साइंटिस्ट के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट नींद के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमें नींद कई स्टेज में आती है जो साइकिल या फिर चक्र के तौर पर रिपीट होते हैं। नींद में एक स्टेज होती है लाइट स्लीप, जिसमें हम नींद की गहराई में धीरे धीरे जा रहे होते हैं। ये हल्की नींद होती है। एक होती है डीप स्लीप, जिसमें हम गहरी नींद में होते हैं। वहीं इन दोनों के इतर एक स्टेज ऐसी होती है जिसे हम REM स्टेज कहते हैं, और REM स्टेज माने रैपिड आई मूवमेंट। इसमें बंद आंखें तेजी से इधर उधर हिलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें सपने इसी स्टेज में आते हैं, और अब दृष्टिहीन लोगों को भी क्या सपने आते हैं? इसका सरल सा जवाब देने की कोशिश करें तो हाँ, इसका जवाब है हाँ में, यानी कि जन्म से जो लोग देख नहीं पाते वे लोग भी सपने देखते हैं। जन्म से ना देख सकने वाले लोगों को भी सपने आते हैं, लेकिन उनके सपने थोड़े अलग होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि हमेशा से देख ना सकने वाले लोगों की याददाश्त में चित्र नहीं होते, इस बारे में स्लीप मेडिसिन मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च छपी। इसमें जन्म से ना देख सकने वाले 11, बाद में दृष्टिहीन हो जाने वाले 14 और 25 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो देख सकते हैं। रिसर्च में कई बातें सामने आई, जैसे जो लोग हमेशा से दृष्टिहीन नहीं थे उनके सपनों में चित्र भी आते हैं, वो विजुअल चीजें भी अपने सपनों में देखते हैं। वहीं जन्म से ना देख पाने वाले लोगों को जो सपने आए उनमें गंध, आवाज और स्पर्श जैसे दूसरे सेंस ज्यादा थे। दरअसल सपनों का हमारी जिंदगी के अनुभवों से भी नाता होता है, इसलिए समझा जा सकता है कि जन्मजात दृष्टिहीन लोगों के जीवन में गंध, आवाज जैसी अनुभव ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और यही वजह है कि बचपन से दृष्टिहीन लोगों के जो सपने होते हैं उसमें गंध, आवाज जैसी चीजों की, जैसे पक्षियों की प्राथमिकता होती है। लेकिन जो लोग सामान्य होते हैं, देख सकते हैं, उनके सपने दूसरी तरह के होते हैं। तो जो सवाल तमाम लोग पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी ये जिज्ञासा हो सकती है कि क्या दृष्टिहीन लोग सपने देखते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब हाँ में है। हाँ, ये लोग भी सपने देखते हैं, लेकिन इनके सपने कुछ अलग तरह के होते हैं। इनके सपनों में चित्रों से ज्यादा गंध और आवाज की प्राथमिकता होती है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके साथ मैं था मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।